अगर आपको लग रहा है कि ये शक्ल आप काफ़ी दिनों के बाद देख रहे हैं तो यस यू आर राइट बेसिकली आई वाज ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान और चंद वीक मैंने वहाँ गुजारे और इस वीडियो में बात करूँगा अपने एक्सपेरिमेंट थाट्स और ऑब्जर्वेशन की अच्छा आई विजिट पाकिस्तान आफ्टर एटीन मंथ्स और अठारह महीने पहले जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा था तो ऐसा नहीं था जो कि मैंने इस दफ़ा पाया आई मीन अपेरेंटली सब कुछ सेम था लोग अब भी शाम को दरिया किनारे टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे थे बची खुची पाकिस्तान रेलवे अब भी पुराने ट्रैक्स पे दौड़ रही थी हाँ लेकिन क़ुतें खरीद लोगों की बहुत कम हो गई थी बाज़ारों में रश थोड़ा कम हो गया था एंड आल्सो महंगाई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई थी और फिर मैंने लोगों से बात करके भी देखा प्रॉपर्टी डीलर्स दुकानदार टेलर्स या मजदूर सब लोग ही कुवतें खरीद और महंगाई से तंग नज़र आए पहले तो मुझे ये आम सी बात लगी कि महंगाई होती रहती है हर दौर में और क्योंकि हमने महंगाई का ही लफ सुना है सस्ताई का नहीं सुना सो इट्स कॉमन और मुझे लगा कि महंगाई के, के दौर में लोग जो है वो अपने अखराज इजाफी अखराजा कम करके गुजारा कर ही लेते हैं और चल जाता है लेकिन फिर मैं मिला एक टैक्सी ड्राइवर से मैंने टैक्सी बुक की खाने वाले से जहानिया के लिए और टैक्सी ड्राइवर के साथ बातचीत करने लगा पूछा क्या हाल चाल है और कैसा चल रहा है खैर उसने बताया कि महंगाई तो होती रहती है लेकिन रिसेंट ईयर्स में जो महंगाई हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है साथ में उसने ये भी बताया कि उसके दो बच्चे हैं एक बड़ी बेटी एम कर रही है और साथ में एक छोटा बेटा अभी मैट्रिक से फ्री हुआ है तो उसने बताया कि आजकल के लोगों के पास कुतें खरीदी नहीं है, तो बहुत कम लोग जो है वो टैक्सी हायर करते हैं और जिसकी वजह से इवन वो अपनी बेटी की फ़ीस भी मुश्किल से पे कर रहा है और साथ में बेटे को उसने सोचा है कि किसी काम में डाल दे क्योंकि वो ही कैन नॉट अफोर्ड और उसने बताया कि एजुकेशन भी सारा बिजनेस बना हुआ है जो कि ट्रू है और साथ में ये बात भी मुझे तभी एहसास हुआ कि वाकई रिसंट ईयर्स में, में महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है आल्सो मैं वो देख रहा था अपनी करेंसी डी वैल्यू वो आप देखें तो 2006 से लेके 2018 तक जो है वो इंसानों वाली महंगाई हुई है या इंसानों वाली करेंसी डी वैल्यू हुई लेकिन उसके बाद अगर आप देखें अठारह से इक्कीस तो वो थोड़ी सी ज़्यादा हुई है और इक्कीस से तेईस देखें तो फिर भेड़ा ही गर का मतलब बहुत ज़्यादा करेंसी डी वैल्यू है जिसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है महंगाई पर तो दैट्स ट्रू और उसके बाद सैड एक सैड जो फैक्ट है वो ये कि मतलब जब महंगाई होती है या कोई भी घर घराना जो लोअर टू मिडिल क्लास होता है वो सबसे पहले जो चीज़ हिट करती है वो एजुकेशन बच्चों की एजुकेशन हिट होती है दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट मतलब खाना तो खाना है सब नहीं। और अगर कोई बीमार है उसका भी इलाज होना है लेकिन एजुकेशन ऐसी चीज़ है जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं या जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें डायरेक्टली कुछ, कुछ उससे आउटपुट नहीं मिल रहा होता तो एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और अगर किसी भी कंट्री के अगर हम फ्यूचर देखें या मुस्तकबिल देखें तो इस ये देख के बिल्कुल क्लियरली कहा जा सकता है कि उसकी जनरेशन जो है वो किस कदर प्रिपेयर्ड है या फ्यूचर के लिए कितनी तैयार है ऑलरेडी मिलियंस ऑफ बच्चे जो है हमारे वो स्कूलों से बाहर हैं और फिर अभी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से मजीद लोग बाहर जा रहे हैं तो विच इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन मतलब एजुकेशन जो है वो बेसिक चीज़ है ही एजुकेशन जर्मनी को देख लें थर्ड वर्ल्ड कंट्री के एक बाशिंदे को क्यों वो फ्री एजुकेशन देंगे बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ़ एजुकेशन और हम अपनी ही नेशन के अपने ही बच्चों को एजुकेशन वाला जो है वो बजट ही आप देख लें पाकिस्तान का कि एजुकेशन पे हम कितना खर्च करते हैं तो विच क्लियरली डिपिक्ट्स आवर फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली खैर वजूहत तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि क्या वजूहत है वन ऑफ दैम तो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और फिर मजीद भी आपको पता ही है खैर सोलूशन की बात करते हैं प्रॉब्लम्स में घुसने की बजाय तो सोलूशन ये है कि अब एक ही सिचुएशन है इस एक ही सोलूशन है इसका वो ये कि फ़ॉरन करेंसी में कमाया जाए फ़ॉन करेंसी में कमाने के अब दो तरीके हैं एक तो वेरी ओब्वियस तरीका के पाकिस्तान छोड़ो और आ जाओ ज़रा बाहर और उसमें यह है कि आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं और अपने नियरली लोगों को भी और पाकिस्तान का भी इसमें फ़ायदा है डॉलर्स ऑलरेडी इनके पास नहीं है और दूसरी दूसरा ये कि अगर आप पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहते तो स्टिल देर इज एन ऑप्शन वो फ्री लांसिंग का वे है मैं भी जब जर्मनी में नहीं आया था तो आई वाजाल्फ और फ्री लांसर खैर उसकी मैं स्टोरी बाद में आपको सुनाऊंगा किसी वीडियो में लेकिन सीन यह है कि सेकेंड सोल्यूशन वो है जिसमें आप पाकिस्तान में बैठ के भी सिंपली आपने एक स्किल सीखनी है और इंटरनेट पर फाइवर पर या फिर ये फ्री लांसर या और प्लेटफॉर्म हैं उन पर अपनी स्किल बेचनी है तो दैट इज़ द वे फॉरवर्ड इसके अलावा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा आई होप पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ अच्छा हो और बस फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में अब तो मैं जब आ गया हूँ तो वीडियोज़ आती रहेंगी